नमस्कार दोस्तों, मैं अमीन, ड्यूटी न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। देखिए इस वक्त की खास खबर, छिंदवाड़ा में गांजा तस्करी की मुखबिर पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक मनोज राय ने खुलासा करते हुए बताया कि मंडला निवासी आरोपी एक्टिवा बाइक के सहारे छिंदवाड़ा सहित आसपास के जिलों में गांजा की तस्करी करता था, जिसकी पुलिस द्वारा घेराबंदी करके चंदन गांव से गिरफ्तारी किया गया है। आरोपियों के पास से 14 किलो गांजा एवं एक एक्टिवा बाइक सहित लगभग 1.5 लाख रुपए का माल जब्त किया गया है। वही आरोपियों से पूछताछ करने के बाद उपरोक्त मामले में स्थानीय व्यापारियों का खुलासा भी जल्द पुलिस द्वारा किया जाएगा। देखिए छिंदवाड़ा में गांजा तस्करी की खास रिपोर्ट सिर्फ डीटी न्यूज पर। कल सुबह आ जाए, 10:30। हाँ 10:30 ही है। हाँ हो गया। मैडम काफी दिनों से सूचना मिल रही थी कि छिंदवाड़ा शहर में बाहर से कुछ लोग गांजा ले आके यहाँ पर बेच रहे हैं। कोतवाली में एक सूचना प्राप्त हुई कि मंडला जिले का प्रवीण नाम का एक लड़का है जो गांजा लेके यहाँ पर आ रहा है। तो यह सोचने पर सीएसपी विशेष अग्रवाल, टीआईसी आराम सिंह की टीम ने घेराबंदी करके इसको मैं एक्टिवा के आज पकड़ा। पकड़ने पर उसके कब्जे से लगभग 14 किलो गांजा और एक एक्टिवा मोटरसाइकिल बरामद हुई है। गांजे की अभी अनुमानित कीमत लगभग 1 लाख रुपये है। आरोपी प्रवीण को गिरफ्तार कर लिया गया, वो मंडला जिले के बर्रा टोला का रहने वाला है। और अभी प्राथमिक जानकारी मिली है कि पूर्व में भी नरसिंहपुर जिले के करेली में या एनडीपीएस में बंद हो चुका और उसको 10 वर्ष की सज़ा भी पहले मिल चुकी है। उससे हम लोग और पूछताछ कर रहे हैं कि यहाँ पर किसके पास वो लेके आ रहा था और यहाँ कौन कौन ऐसे लोग हैं जो इसको खरीदते हैं और आगे सप्लाई करते हैं। पूछताछ के बाद ऐसे लोगों के विरुद्ध भी हम लोग कार्रवाई करेंगे।